तो रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ेन एलिमिनेशन 2023 चैम्बर का मैच जो है वो भी हो चुका है। एलिमिनेशन चैम्बर का 2023 में जो मैच होने वाला था, मेन इवेंट एलिमिनेशन 2023 का, वो भी हो चुका है और इस मैच में जो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो चलिए इस वीडियो के अंदर इस मैच के बारे में फुल डिटेल में बात करते हैं। तो गाइस वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को तो सब्सक्राइब, क्योंकि मोर वीडियो जो मेरे चैनल पर पड़ी है उसे जाके आप देख सकते हो। तो गाइस बिना कुछ गाइस वीडियो को चालू करते हैं। तो ये व्हाट्सअप गाइस के साथ सभी लोग, उम्मीद करता हूँ लोग अच्छे होंगे, अच्छे बने रहना, फैंटास्टिक रहना। तो गाइस इस मैच के अंदर जब एंट्रेंस हो जाती है दोनों प्लेयर्स की, तो वहाँ पर आधे मतलब क्यों झूठ बोलूँ 10 से 5 मिनट तक तो कुछ भी नहीं होता। दोनों रेसलर जो एक दूसरे घूर रहे होते हैं, पब्लिक जो चिल्ला रही होती है सैमी ज़ेन सैमी ज़ेन सैमी ज़ेन, मतलब रोमन रेंस को फर्स्ट टाइम शायद बू मिला होगा इतना जब से वो हील हुए, उसके बाद से फर्स्ट टाइम बू मिला होगा। और इस मैच के अंदर इतना मज़ा आता है जब फिर सैमी ज़ेन बाहर कर देते हैं रोमन रेंस को, फिर अंदर लाते हैं, फिर अंदर इतना ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, लेकिन रोमन रेंस जो कम बैक करते हैं अपना बाहर और सैमी ज़ेन को जो है रिंग साइड से बाहर करते हैं, साइड में बैरिकेड पर पहुँचा देते हैं उनकी वाइफ के पास। जी हाँ गाइस, ये व्हाइट कलर के टॉप में जो आप देख पा रहे हो उनकी वाइफ है, क्योंकि आपको पता कनाडा के अंदर हो रहा है ये मैच, जो कनाडा में रहते हैं हमारे सैमी ज़ेन। तो वहाँ पर जो है रोमन रेंस चिल्ला के कहते हैं इसके बस की कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते, इन्हें गलत कर दिया मुझसे पंगा लेके। और उसके बाद जो वहीं पर वो जो है डोमिनेट करने लगते हैं, लेकिन अंदर आने के बाद जो है सैमी ज़ेन वापसी से डोमिनेट करने लगते हैं हमारे रोमन रेंस। मतलब इस मैच का तो मतलब एक लो था यही मैच था जो मुझे पूरे मैच के अंदर जो पूरे एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर अच्छा लगा। और गाइस नेक्स्ट वीडियो पे आने वाली जल्दी जल्दी वो भी देख लेना। और गाइस बाहर भी जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग ही मज़ा आ रहा था इस रेसलिंग मैच के अंदर। और आप जानते हो अगर रोमन रेंस का मैच और रेफरी इंजर्ड ना हो ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। वहाँ पे जो है एंड में हमारे सैमी ज़ेन एक हेलुआ किक लगाते हैं हमारे रोमन रेंस को, और जब वो पिनफॉल करने जाते हैं तो पता चलता है रेफरी ही गिरा पड़ा है, कौन पिनफॉल करेगा। तो यही तो होना ही था गाइस जो होना था हमारे मैच के अंदर। लेकिन वहीं पे एंट्री होते हैं हमारे जिमी उसो की, जे उसो नहीं आता है, जिमी उसो आता है। और वो आते जो है अगर मैं गलत नहीं तो 3-4 सुपर किक जो है वो एक साथ लगाता है वन बैक टू बैक, और उसके बाद जो अपना उसो स्प्लैश जो वो भी लगा देता है और रोमन रेंस को पिन करने के लिए छोड़ देता है हमारे सैमी ज़ेन के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो सैमी ज़ेन जो किक आउट कर देते हैं, मतलब ऐसा मैच जो है गाइस मेरे हिस्ट्री में, मतलब रोमन रेंस की जो मैंने मैचेस देखे उस हिस्ट्री का दूसरा तीसरा मैच फेवरेट होगा, ये मेरा फर्स्ट तो जॉन सीना वाला है ना। तो गाइस इस मैच के अंदर जो है ऐसे गूज़बम्प चल रहे थे, मतलब आप समझ नहीं सकते। वहाँ पे जो है फिर जो है रोमन सैमी ज़ेन जो हर जगह डोमिनेट कर रहे थे, रोमन रेंस भी कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे जब वो हेलुआ किक लगाते हैं हमारे उसको जिमी उसको, तो बैक में घूमते ही रोमन रेंस जो स्पेल लगाते और उससे भी जो है किक आउट कर देते हैं हमारे सैमी ज़ेन। मतलब मैं जब भी सोचता हूँ कि मैच खत्म होने वाला है वहीं पर ये होता है कुछ ना कुछ कांड, और रोमन रेंस सोचते हैं ये क्या हो रहा है मेरे साथ आज, क्या होने चाहता है मतलब। और वहीं से जो पॉल एमन से जो वो इशारा कर देते हैं, पॉल एमन वहीं से चेयर निकाल के दे देते हैं हमारे रोमन रेंस को। उसके बाद गाइस जो है एकदम हमारी एंट्री होती है जे उसो की। जी हाँ गाइस, जो सैमी ज़ेन को मारने जा रहे होते हैं तो एंट्री होती है हमारे जे उसो की, और वहाँ पे जो है रोमन रेंस को जो है मारने जा रहे होते हैं, लेकिन जे उसो ना इधर साइड रहते ना उधर साइड, बल्कि हिस्ट्री रिपीट होने वाली थी। तो रोमन रेंस जो है चेयर हाथ में पकड़ाने की कोशिश करते हैं हमारे जे उसो को, और जे उसो जो है मतलब रोमन रेंस चिल्लाने चले जाते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर, और जो हिस्ट्री जो दोबारा रिपीट होने वाली थी। लेकिन वो होने से पहले मेरे हिसाब से ये लगता था कि जे उसो जो रोमन रेंस के ऊपर अटैक करेगा, लेकिन उससे पहले जो है रोमन रेंस चिल्लाने लग गए जे उसो के ऊपर। और वहाँ पर जब वो चिल्ला रहे थे तो गलती से स्पीयर मारने जब जा रहे थे सैमी ज़ेन, तो गलती से वो लग जाती है हमारे जे उसो को, और यहीं से जो स्टोरी लाइन नहीं बनने वाली है। और गाइस यहीं से जो है इन दोनों मतलब रोमन रेंस जो अनलिमिटेड स्टील चेयर्स के वो जो है अटैक जो करने लगते हैं हमारे सैमी ज़ेन के ऊपर, वो धड़ाधड़ मारते हैं। और वहीं पे जो है वो करने लगते हैं हमारे पिनफॉल, लेकिन एक और स्पेयर पड़ गए गाइस, मतलब इतना तो यार कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ पे जो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे सैमी ज़ेन किक आउट कर देते, सॉरी यहाँ पे किक आउट नहीं करते, यहाँ पे पिनफॉल हो जाता है। लेकिन उस मैच के बाद उसके बाद जो है रोमन रेंस कहते हैं जिमी उसे जाके अटैक करो, मतलब अब जो मैं आपको जैसे कि पहले प्रेडिक्शन में बता रखे थे बहुत धुलने वाले सैमी ज़ेन, तो वही होता है, बहुत ही मारते हैं। वहाँ पे हम सोच रहे थे कि जे उसो जो यहाँ पे आगे जिमी उसो के ऊपर अटैक करते तो नेक्स्ट टूर्नामेंट बनेगी, लेकिन वहीं पर हमारे एंट्री होती है केविन ओवेंस की पावर बॉम्ब प्लेयर की। तो वहाँ पे जो है आते वो पहले तो बाहर जो है हमारे जिमी उसो को पटक पटक के धोते हैं, उसके बाद रिंग के अंदर आते ही जो पावर बॉम्ब लगाते हैं हमारे रोमन रेंस को, और फिर जो है नीचे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हार तो गए सैमी ज़ेन में, लेकिन इस मैच इतने मज़ा आते थे सारे रिटर्न देखने को मिले जैसे मैंने आपको पहले प्रेडिक्शन बता रखा था। फिर बाहर जो है जिमी उसो को पड़ता पावर बॉम्ब टेबल के ऊपर, लेकिन सबसे फनी मोमेंट जो था इस मैच का वो था जब पॉल हेमन बैक स्टेज से आके ढीले ढीले हाथ चला रहे थे हमारे केविन ओवेंस के ऊपर। जहाँ पर केविन ओवेंस को मेरे हिसाब से कुछ खास फर्क तो पड़ा भी नहीं होगा, लेकिन वहीं पर जो है स्टनर पड़ जाता है हमारे मतलब क्या नाम था सॉरी हाँ स्टनर पड़ता है हमारे पॉल हेमन को, वहीं पे उन्हें स्टनर पड़ जाता है। यार मैच तो खत्म हो चुका है, लेकिन मज़े इतने आ रहे थे इस मैच को देखने के अंदर, जब रोमन रेंस शायद मैंने पहली बार देखा होगा इतना डोमिनेट हुआ है किसी प्लेयर से।
तो जी हाँ गाइस, इंदौर का मैच भी जो इस तरीके से खत्म हो चुका है। वहाँ पे जो है एंड में हलवा किक मार देते हैं सेमी जेनेकर पर, जब केन उन्हें इशारा करते हैं मारो, तो वहाँ पे जो वो एक और बार जो है हलवा किक लगा देते हैं अपनी रोमन रेंज को। और शायद फर्स्ट टाइम ही होगा जब से मैंने रील में आया, जब से इतना डोमिनेट होता हुआ रोमन रेंज को देखा कहीं पर। तो गाइस और वीडियोज़ भी जो है वो मेरे चैनल पर आने वाली है, और कुछ वीडियोज़ जो वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी डली हुई है, उन्हें जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियोज़ भी आने वाली है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, क्योंकि ऐसी जो मज़ेदार वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती रहती है। और बाकी शॉर्ट्स भी जो है मैं फैक्ट्स की डालते रहता हूँ, उन्हें भी जाके आप देख लेना। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में। गुड बाय।